हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले तथा यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद आप न जानते हों। औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत जनपद मऊ का इतिहास काफी पुराना है। रामायण एवं महाभारत कालीन सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक अवशेष इस भूभाग में यत्र तत्र मिलते हैं। त्रेता युग में महाराज दशरथ के शासनकाल में इस स्थान पर ऋषियों की तपोभूमि थी। यहीं तमसा तट पर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। वन यात्रा के समय प्रथम रात्रि तमसा तट पर श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। मऊ जिले का ज्ञात इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है, जब यह समूचा इलाका घना जंगल हुआ करता था। यहाँ बहने वाली नदी के आसपास जंगली व आदिवासी जातियाँ निवास करती थीं। यहाँ के सबसे पुरानी निवासी नट माने जाते हैं। इस इलाके पर मऊ नट का शासन भी था। कब्जे को लेकर मऊ नट एवं मलिक बंधुओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मऊ नट का भंजन हुआ अर्थात मारा गया, और इस क्षेत्र को मऊ नट भंजन कहा गया, जिसका अपभ्रंश मऊनाथ भंजन हो गया। हालांकि कुछ विद्वान इसे मयूर का अपभ्रंश भी मानते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि भाई औरंगजेब के नाम पर बेगम जहां आरा ने एक नया मोहल्ला औरंगाबाद आबाद किया तथा मऊनाथ का भंजन अपने नाम पर जहानाबाद कर दिया, लेकिन यह नाम लोकप्रिय न हो सका और मऊनाथ भंजन उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा। 18वीं शताब्दी के आरंभ में जौनपुर के शासन से पृथक कर के इस भूभाग को आजमगढ़ के राजा को दे दिया गया। आजम शाह और अजमत शाह दोनों सगे भाई थे। आजम शाह ने आजमगढ़ और अजमत शाह ने अजमतगढ़ बसाया। सन 1801 में आजमगढ़ और मऊनाथ भंजन ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले और यह क्षेत्र गोरखपुर जनपद में शामिल कर लिया गया। सन 1932 में आजमगढ़ स्वतंत्र जिला बनाया गया, जो आजादी के बाद 1988 तक कायम रहा। आजमगढ़ जनपद में सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति मऊ से होती थी, किंतु इसके विकास का प्रयास नगण्य था। मऊ को जनपद बनाने की मांग कई वर्षों से होती रही, जो अंततः 19 नवंबर 1988 को पूरी हुई और नया जनपद बनने के बाद इस भूभाग का कायाकल्प हो गया। आइए अब जानते हैं यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। नंबर 1, कल्पनाथ राय। मऊ जिला के शिल्पीकार कल्पनाथ राय का जन्म जिले के सेमरी जमालपुर नामक गांव में 4 जनवरी 1941 को हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा से 4 बार सांसद चुने जाने वाले और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी से 3 बार चुने जाने वाले राजनीतिज्ञ थे। मऊ को जिला बनाने में इनका अद्वितीय योगदान रहा। कहा जाता है कि मऊ को छोटा लखनऊ बनाना चाहते थे, और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वे मऊ को सिंगापुर के तर्ज पर विकसित करना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और 6 अगस्त 1999 को कल्पनाथ राय की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद मऊ का विकास ठहर ही गया, मानो मऊ के विकास पर किसी की काली नजर लग गई हो। यह उन्हीं की देन है कि मऊ आज भी छोटे शहरों में एक विकसित जिला है। नंबर 2, मोहम्मद उस्मान मसूदी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान मसूदी का जन्म 15 जुलाई 1912 को मऊ जिले में हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन के समय उन्होंने कई मुस्लिम अधिकारियों के साथ पाकिस्तान सेना में जाने से इनकार कर दिया और भारतीय सेना के साथ अपनी सेवाएं जारी रखी। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने आदिवासियों को जम्मू कश्मीर में कब्जा करने के लिए भेजा। उस्मान को उस समय 77वीं पैराशूट ब्रिगेड में तैनात किया गया, जो कि झानागढ़ में थी। 25 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान ने झानागढ़ पर कब्जा कर लिया, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी और मीरपुर और कोटली का कनेक्टिंग लिंक भी था। उस समय उस्मान ने झानगढ़ को वापस लेने की शपथ ली और महज 3 महीने के बाद उन्होंने अपनी शपथ पूरी कर ली, पर अपने प्राणों की आहुति देकर। फरवरी 1948 में उस्मान और उनके साथी सैनिकों ने नौशेरा और झानगढ़ में युद्ध के दौरान करीब 1000 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, पर इस क्रम में भारतीय सेना के भी 33 जवान शहीद हुए। उस्मान की बहादुरी से डरी पाकिस्तानी सरकार ने उनके सिर पर 50,000 का इनाम रख दिया। उनकी चतुराई और वीरता के कारण ही उन्हें नौशेरा का शेर की उपाधि से नवाजा गया और उनकी अदम्य साहस और बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। नंबर 3, रामहर्ष सिंह।
आयुर्वेद के प्रख्यात ज्ञाता व प्रोफेसर रामहर सिंह का जन्म 10 जनवरी 1942 को कनियारीपुर गांव में हुआ। जो प्रोफेसर रामहर सिंह बीएचयू के काय चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्होंने आयुर्वेद के विकास में अत्यंत सराहनीय कार्य किए और इनकी दर्जनों पुस्तकें एवं 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तथा ये भारत सरकार से 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। नंबर 4, दुर्गा शंकर मिश्रा। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा का जन्म 4 दिसंबर 1961 को मऊ जिले में हुआ। वे भारत तथा उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं। वे आगरा और सोनभद्र जिले के डीएम और कलेक्टर तथा कानपुर में म्युनिसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं। वे उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे भारत सरकार में खनन और गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी तथा आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। नंबर 5, बहादुर प्रसाद सिंह। भारतीय धावक बहादुर प्रसाद सिंह का जन्म 1 सितंबर 1965 को मऊ जिले के बिलौआ सिधवाल गांव में हुआ। 27 जून 1992 को इंग्लैंड के बर्मिंगम में 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में इनके द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय रिकॉर्ड आज भी कायम है और उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए 1992 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1995 में चेन्नई में हुए साउथ एशियन गेम्स में 1500 मीटर दौड़ में उनका बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड 23 वर्षों तक कायम रहा। नंबर 6, अलगू राय शास्त्री। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अलगू राय शास्त्री का जन्म 29 जनवरी 1900 को मऊ जिले के अमीला गांव में हुआ। वे पहली लोकसभा के आजमगढ़ पूर्व, जिसे अब घोसी कहा जाता है, के सांसद थे। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यार्थी होते हुए भी जेल गए। वे एक राजनेता, शिक्षाविद एवं कानूनविद थे। इसके साथ ही यूपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। वे संविधान सभा के सदस्य थे और अपने वाक चातुर्य से सभी को प्रभावित किया। नंबर 7, सैयद अली जावेद जैदी। मशहूर उर्दू साहित्यकार व कवि अली जावेद जैदी का जन्म 10 मार्च 1916 को मऊ जिले के करहान गांव में हुआ। वे नया दौर तथा अल इल्म उर्दू पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में 80 से अधिक पुस्तकों की रचना की। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और सिविल सेवक भी थे, लेकिन उर्दू साहित्य में अपने काम के लिए वे जाने जाते हैं और इसके लिए उन्हें अनीस और मिर्जा गालिब अवार्ड से नवाजा गया। उर्दू साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के लिए 1988 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। नंबर 8, नागेंद्र कुमार सिंह। प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक नागेंद्र कुमार सिंह का जन्म मऊ जिले के राजापुर गांव में 15 अक्टूबर 1958 को हुआ। वह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में ICAR के तहत एक राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं। वे BHU में BSc और MSc में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उन्हें सन 2002 में भारत सरकार से नेशनल बायोसाइंस अवार्ड फॉर कैरियर डेवलपमेंट मिला। 2007 में ICAR ने उन्हें रफी अहमद किदवई अवार्ड से सम्मानित किया। 2012 में BHU से डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड और 2015 में ICAR से नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला। नंबर 9, बालेश्वर यादव। भोजपुरी व अवधी भाषा के प्रसिद्ध बिरहा एवं लोक गायक बालेश्वर यादव का जन्म सन 1942 में मऊ जिले के मधुबन क्षेत्र के बदनपुर गांव में हुआ था, जो वर्तमान में घाघरा नदी के किनारे पर स्थित है। बालेश्वर भोजपुरी जगत के पहले सुपरस्टार थे। इनके कई गानों को बॉलीवुड ने कॉपी किया तथा संगीत क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए 1994 में इन्हें यश भारती पुरस्कार से नवाजा गया। नंबर 10, अरविंद कुमार शर्मा। 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी AK शर्मा का जन्म मऊ जिले के काजा खुर्द गांव में 1962 को हुआ। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने AK शर्मा को अपनी आंख के तारे की तरह रखा। वे जहां जहां गए, अरविंद शर्मा को भी साथ ले गए। जब 16 मई 2014 को तय हुआ कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, तो 17 मई को नरेंद्र मोदी ने AK शर्मा को फोन किया कि आपको मेरे साथ दिल्ली चलना है। प्रधानमंत्री कार्यालय में 2014 में ज्वाइंट सेक्रेटरी तथा 2017 में एडिशनल सेक्रेटरी बने। साल 2019 में उन्हें लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। जनवरी 2021 में जब उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और भाजपा के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया।
ऐसा कहा जाता है कि वे बनारस तथा उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर जोड़े रखते हैं। नंबर 11, कन्हैया लाल मिश्र। प्रसिद्ध वकील कन्हैया लाल मिश्र का जन्म 31 अगस्त 1903 को मऊ जिले के मरियादपुर गांव में हुआ था। सन 1952 में उन्हें यूपी के चौथे एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया और 1969 तक वे इस पद पर कार्यरत रहे। इतने लंबे समय तक ऐसे पद पर कार्यरत रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम में है। और यूपी के एडवोकेट जनरल होते हुए भी वे पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय में दलील दे चुके हैं। नंबर 12, अशोक कुमार पांडे। कवि अशोक कुमार पांडे का जन्म 24 जनवरी 1975 को मऊ जिले के मुग्गी चौरी गांव में हुआ। एक लेखक, कवि व इतिहासकार के रूप में इन्होंने अपनी कला की छटा बिखेरी। इनकी कश्मीर पर लिखी पुस्तकें कश्मीरनामा और कश्मीरी पंडित अत्यंत लोकप्रिय हुई। वर्तमान में कविता की ई मैगजीन असुविधा का संचालन साहित्यकार अशोक कुमार पांडे द्वारा किया जा रहा है। नंबर 13, श्याम नारायण पांडे। वीर रस के सुविख्यात हिंदी कवि श्याम नारायण पांडे का जन्म मऊ जिले के डुमराव गांव में 1907 को हुआ। इन्होंने 4 उत्कृष्ट महाकाव्य रचे, जिनमें हल्दीघाटी सर्वाधिक लोकप्रिय और जौहर विशेष चर्चित हुए। नंबर 14, झारखंडे राय। भारतीय राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार झारखंडे राय का जन्म मऊ जिले के अमीला गांव में 1914 को हुआ था। 1967 में वे चरण सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार में खाद्य मंत्री बने। वे 3 बार घोसी लोकसभा के सांसद रहे। वे यूपी के पीएसी के चेयरमैन भी रहे हैं और 21 सालों तक आजादी की लड़ाई में वे 8 साल जेल में रहे हैं और आजादी के बाद भी 18 बार जेल गए हैं। वे उत्तर प्रदेश किसान सभा के उपाध्यक्ष व ऑल इंडिया किसान सभा के खजांची भी रह चुके हैं। नंबर 15, लक्ष्मी नारायण मिश्र। समस्या प्रधान नाटकों के जनक लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म मऊ जिले के बस्ती गांव में 17 दिसंबर 1903 को हुआ। ये आधुनिक युग के प्रमुख एकांकिकारों में गिने जाते हैं। इन्होंने लगभग 25 नाटकों और 100 एकांकियों का सृजन किया है। अपनी देश प्रेम से ओत प्रोत रचनाओं के कारण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे राजबंदी बनाए गए और कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी। नंबर 16, कृष्णानंद शर्मा। भारतीय मूल के युगांडा निवासी लेखक एवं शोधकर्ता कृष्णानंद शर्मा का जन्म मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना नामक कस्बे में हुआ। डॉक्टर शर्मा के लेखन की शुरुआत मऊ जिले में हुई तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत एवं साहित्य पर इनकी 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर शर्मा ने प्रयागराज के जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सर्वप्रथम विभागाध्यक्ष एवं अंततः बतौर उप प्राचार्य कार्य किया। इसके बाद वह कैमरून के सेंट लुइस विश्वविद्यालय में बतौर डीन एवं तत्पश्चात विक्टोरिया विश्वविद्यालय कंपाला में स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के डीन बने। नंबर 17, कामरान खान। आईपीएल में खेल चुके मशहूर क्रिकेटर कामरान खान का जन्म 10 मार्च को मऊ जिले में हुआ। ये बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और इनके पिता लकड़ी काटने का काम करते थे। ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2009 में आईपीएल में खेल चुके हैं और बाद में वे पुणे वॉरियर्स के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी थे तथा 140 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे। वे उन चंद क्रिकेटरों में शुमार हैं जिन्हें बिना फर्स्ट क्लास मैच खेले ही आईपीएल में खेलने का मौका मिला। नंबर 18, फिजा इब्ने फैजी। आधुनिक उर्दू और फारसी कवि फिजा इब्ने फैजी का जन्म 1 जुलाई 1923 को मऊ जिले में हुआ। उन्हें कादिर उल कलाम कवि माना जाता है और उन्हें उर्दू दुनिया में कई पुरस्कार मिले हैं। कम से कम फैजी के 6 कविता संग्रह प्रकाशित और प्रशंसित हुए थे। गजल और नज्म लेखनी पर इनकी विशेष पकड़। नंबर 19, समीम करहानी। गजलकार और शायर समीम करहानी का जन्म मऊ जिले के करहान गांव में 8 जून 1913 को हुआ। इनका वास्तविक नाम सैयद शमसुद्दीन हैदर था। शायर और मोहब्बत का जो हंसी रिश्ता होता है उसे इन्होंने भी बड़ी शिद्दत से निभाया। इनकी गजलें अन्य शायरों की तरह मोहब्बत का अफसाना है जो पुरानी यादों को जहन में हरी भरी कर देती हैं। उन्हें भारत सरकार से रंग के गीत तथा यूपी उर्दू एकेडमी से हर्फ ए नीम साहब का किताब 1972 में मिल चुका है। नंबर 20, परिचय दास। भारतीय लेखक, कवि और समकालीन भोजपुरी कविता के संपादक परिचय दास का जन्म मऊ जिले के रामपुर कांधी गांव में हुआ। 1 मार्च 1964 को हुआ। परिचय दास मैथिली भोजपुरी अकादमी और दिल्ली सरकार के हिंदी अकादमी के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्होंने 30 से अधिक पुस्तकों का संपादन किया है। उन्हें भोजपुरी कीर्ति सम्मान, भारतीय दलित साहित्य सम्मान, रोटरी क्लब अवार्ड, संपादक की पसंद पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
वे वर्तमान में नव नालंदा महाविहार सम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। नंबर 21 सईदुर रहमान आजमी नदवी, भारतीय इस्लामी विद्वान नदवी का जन्म 14 मई 1934 को मऊ जिले में हुआ। वे दारुल उलूम नदवतुल उलमा के 10वें प्रधानाचार्य रहे हैं। वे अल बास अल इस्लामी के मुख्य संपादक हैं तथा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पुराने सदस्य भी हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त घोसी से वर्तमान सांसद व लोकप्रिय नेता अतुल राय, इतिहासकार निजामुद्दीन आशिर अद्रवी, इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ज्योत्सना राय, पूर्व मंत्री व सांसद रहे राजकुमार राय, साहित्यकार व पत्रकार रहे डॉक्टर सुभाष राय, यूपी कैरम एसोसिएशन के लंबे समय तक वाइस प्रेसिडेंट रहे मुमताज तरफदार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैजनाथ कनौजिया व परमहंस मिश्र, वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम अंसारी, वरिष्ठ नेता रहे हबीबुर रहमान नोमानी एवं रेसलर किशोर पहलवान, स्प्रिंटर रामदास सहानी, आजाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट रहे मदन मोहन दुबे भी मऊ जिले की प्रसिद्ध हस्तियों में शुमार हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।